देखिए ये भारतीय कौवा है, पीछे चांद, पृष्ठभूमि में चांद भी दिखाई दे रहा है, बगल में राष्ट्रीय झंडा भी मेरा फहरा रहा है शान से। कौवा भी कीटनाशकों, प्रदूषण, मोबाइल टावरों के तीव्र रेडिएशन, पानी के प्रदूषण, मानव जनित अन्य प्रदूषण कृत्यों की वजह से विलुप्ति के कगार पर है, विलुप्त हो रहा है। पश्चिमी यूपी में बहुत से कौवे, पहले बहुत ज़्यादा कौवे थे, अब उनकी संख्या कम हो गई है। तो देखिए दो तरह के कौवा होते हैं, ये इनके गले में कुछ ब्राउन टाइप का होता है, और एक होते हैं पूर्ण रूप से काले। देखिए किधर भी बैठा है, इधर बैठा है, और देखिए उधर पेड़ पर था। देखिए ये सब कौवा है। मानव ने इस पृथ्वी को इतना विषाक्त बना दिया है और बनाता जा रहा है, भविष्य में उत्तरोत्तर बढ़ाता जा रहा, बनाता जा रहा है, कि बहुत से जीव जंतु विलुप्ति के कगार पर खड़े हो गए, विलुप्त हो रहे हैं। प्रति दो दिन में वैज्ञानिकों का अनुमान है एक प्रजाति, चाहे जीव जगत की हो या जंतु जगत की या वनस्पति जगत की, विलुप्त हो रही है। देखिए वो उड़ गया, ये दूसरा आ गया कौवा। नमस्कार, सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं आज 2 जून 2018 है, मैं प्रताप बिहार गाजियाबाद से निर्मल कुमार शर्मा सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए मेरे छत की बगिया है, गौरैया भी आ गई हैं, थोड़ी बहुत आ गई हैं। देखिए कौवा भी बैठा हुआ है। नमस्कार।